Hey everybody, welcome back to our channel. मैं हूँ नेहा, कैसे आप सब? तो मैंने आप लोगों से पूछा था कि वो बरकत उज़्मी और मथीरा का वो जो शो था तो बहुत ज्यादा वायरल हो गया था, उसमें से बहुत सारे मीम्स. तो मैं आप लोगों से पूछा कि शुड वी डू दैट, तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि मतलब वो तो इससे भी बढ़िया है यार, क्यों, जस्ट प्लीज डू वॉच इट. सो टुडे वी आर हियर विद OMG चैप्टर 1, बरकत उज़्मी मथीरा फुल वीडियो और बनाना प्राइम. एक्चुअली उनका चैनल का नाम है बनाना प्राइम और उसमें से OMG नाम है ये एपिसोड का. सो मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुई, और मथीरा के तो इतने सारे लाइक मीम्स या शोज में से देखे हुए मीम्स, शी इज लाइक वायरल, ऐसे वायरल. और बरकत उज़्मी तो दे आर लाइक नाउ द वायरल ट्रेंडिंग कपल, बरकत उज़्मी ऐसा बोल सकते हैं. सो लेट्स सी हाउ दिस एपिसोड इज गोइंग टू बी, चलिए देखते हैं. इस प्रोग्राम से बच्चों और बुजुर्गों को दूर रखें. ओके हेलो एंड सलाम अलैकुम पाकिस्तान. जी हाँ, आप लोग देख रहे हैं OMG बाय मथीरा ओनली ऑन बनाना प्राइम. जिस तरह हम बोलते हैं कि केले सेहत के लिए बड़े अच्छे होते हैं और केले में केले खाना भी अच्छा होता है. सो यस, अच्छा हमारे आज के जो मेहमान हैं वो बड़े अच्छे हैं, मुझे हमेशा स्पीचलेस छोड़ देते हैं. अब देखते हैं मुझे किस तरह छोड़ेंगे, पकड़ेंगे, क्या करेंगे. सो यस, बहुत ही पुराने हमारे दोस्त हैं. ऑफ कोर्स ऐसे लोग हैं कि जहाँ होते हैं वहाँ आपको बस हंसी 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 यही सुनाई देती है. सो यस, हम बुलाते हैं दी वन एंड ओनली बरकत एंड उज़्मी. अस्सलाम वालेकुम जी. क्या हाल है जनाब? अल्लाह का शुक्र, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग अस. नहीं नहीं नहीं, और मैं हमेशा आपके लिए कहता हूँ कि ऊपर वाला आपकी हर जायज ख्वाहिश पूरी करे. मैं दिल से मेरी दुआ के ऊपर वाला आपकी हर जायज ख्वाहिश पूरी करे, बस अगर आप मेरी एक नाजायज ख्वाहिश पूरी करें तो. मैंने क्या बोला, ये शो पर मैं चुपकी आप देख के तो हमें चुपकी लगी हुई इतनी देर से. आप यकीन करें मैं जो सोच गया था क्या बोलना, मैं एकदम सुन हो चुका हूँ. हाँ, ये आया था बड़ा शेर बनकर, थोड़ा थोड़ा करने के बाद अब इसकी टांगे भी ऊपर हो गई. बाद आधे शो में तकिया यहाँ रखूंगा. देखिए बात पता है कि आप बहुत अच्छी. अच्छा, तकिया यही रखिएगा, मुंह पे नहीं रख. जी जी, मुंह पे नहीं रखूंगा. मुंह पे तो मेरे ख्याल में आप शायद रख लेने. वो भी मानना ही होता है. आप मुझे मानना चाहते हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं आपको देखना चाहता हूँ आप खुश रहें, इसी तरह मुस्कुराती रहें, और आप हमेशा आपकी आपसे मुझे पॉजिटिविटी की वाइफ आती है. नहीं, वाइफ होती है, वाइफ नहीं. मेरे लिए तो वाइफ है, लेकिन बहुत ज्यादा प्यार है ना, तो वाइफ के चक्कर में रहता है. हाँ, कि किसी भी तरह से वाइफ आ जाए. हाँ, ओहो, ओहो, कोई मसला नहीं. मसला ऐसा है कि बहुत बहुत अरसा हो गया है, परसा है, किसी ने नहीं मसला है. मेरे दिमाग को नहीं मसला, मतलब मसाज नहीं करा है. मसाज आप जो सोच रही वो भी ठीक है, क्योंकि बॉडी जो मसाज हो गई है. खैर, तुम लोग कर क्या रहे हो? आप मौका दे. नहीं देखिए, बात कुछ नहीं, काम क्या काम, काम ही की बात कर रहे हैं. आप जो समझ रही वो भी ठीक है. बताओ कौन से शो कर रहे हो? जी, एक तो हम शो कर रहे हैं जी सरकार नुमाने जा साहब, उसमें आप भी आई थी. आप भी आई थी. हाँ, वो शो है हमारा. हमने एक फिल्म लिखी है, हमने एक साहब को दी है बड़े से. हाँ, वो पता नहीं कब होगी, लेकिन हमने एक्टिंग तुम कर रहे हो तुम दोनों. अरे एक तो पता नहीं पुरानी फिल्मों वाले बाप हमें क्यों नहीं मिलते, ये लो ब्लैंक चेक और दफा हो जाओ मेरी बेटी की जिंदगी से. ये बाप कहाँ मिलते हैं? हाँ, अरे ये जो ये डायरेक्टर जो हॉरर मूवीज बनाते हैं, जितने भी डायरेक्टर जो हॉरर मूवीज बनाते हैं पुरानी फिल्में, ये दरवाजों में तेल क्यों नहीं लगाते हैं? हर दरवाजों में आवाज आती है. अच्छा, ये मेरी समझ नहीं आता, ये जो हॉरर मूवीज होती है डॉनी मूवीज, ये जो इसमें लड़की होती है हीरोइन, ये बंदे को घेर कर लाती है, पूरी रात गाना ख्वार करके सुबह मारती फजर के बाद. क्यों ये हाँ, ये रात में क्यों नहीं मार देती उसे? और पुरानी फिल्म आप देखो, हीरोइन जो ना पूरा पूरा जहर खाने के बाद पूरा गाना परफॉर्म करेगी फिर मरेगी. पूरा गाना परफॉर्म करके मरना है. नहीं, वो उसको उसके पैसे मिल रहे. मतलब आधा घंटा इनफ है, फिर बैठ के करना पड़ता है. आप जो समझ रही वो भी ठीक है. हाँ, फिर आवाजें बहुत आती है ना. किसकी? ऑडियंस की. ऑडियंस की. अच्छा अच्छा, मुझे याद है मथीरा ने एक बार टी शर्ट पहनी हुई थी, इनके टी शर्ट पर एरोप्लेन बना हुआ था ना, तो मैं एरोप्लेन को देखे जा रहा हूँ, देखे जा रहा हूँ. मुझे मथीरा कह रही है बरकत तुमने कभी एरोप्लेन नहीं देखा? मैंने कहा एरोप्लेन तो देखा, लेकिन ऐसा एयरपोर्ट नहीं देखा. आपको याद है? खैर, वन वर्ड, अभी हम एक सेगमेंट करेंगे. आप लोगों को जो भी होगा वो पहले बोलना होगा. वकार जका, सांप, चुम्मी चुम्मी, हाँ, शकील सिद्दीकी, ओ तीली,
दिल्ली हाँ मशहूर था ना इनका साहिल लोधी बकरे वाली आवाज क्यों निकाली अब तुम्हारा फिरदौस आशिकवान ओ बॉडी बिल्डर फाइटर यार वैसे वो बड़ी स्वैग है वो मतलब वाह मुझे तो वो जो चपेड़े उन्होंने एक इंसान को मारी थी वो बड़ा जबरदस्त खातून है अच्छी खातून वसीम अकरम ओ कमाल फिट नासिर खान जान ओ कौन नासिर खान जान नहीं जानते वो जो घर में बलून फुलाता है ओ अच्छा 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 इसका ओ खुद ही फुलाता है खुद ही फाड़ देता है खुद ही फाड़ देता है नासिर खान जान वही ना जो हाँ वो जो गोरा गोरा सा भाई एक उसका मशहूर हुआ था बलून फुला फुला के फाड़ रहा था उसमें पानी था पता नहीं क्या था बहरहाल मुस्तफा कमाल क्या बात कमाली कमाल कमाली कमाल कमाली कमाल अगर तुम किसी एक्ट्रेस एक दिन के लिए बन जाओ वो कौन होगी और क्या करोगी मैं सनी लियोन बनूंगा एक दिन मैं अमीर हो जाऊंगा आप वो एक दिन में होगा सैटरडे वाला दिन होगा कोई भी अच्छा आप मेरी शादी के लिए पूछना आपने शादी क्यों नहीं की डरती हैं क्यों मैं क्यों वापस शादी करूँ नहीं आपको शादी करनी चाहिए आप शादी करें आप आपको तो एक अच्छा हस्बैंड चाहिए ऐसा हस्बैंड हो जो गुंगा हो जो बहरा हो जो अंधा हो जो उसको कुछ ना पता हो सिर्फ हार्ट से पहचान आ गई अच्छा यार ये ऐसा शौर चाहिए आपको क्यों भाई ऐसी होना चाहिए आपको नहीं नहीं ऐसी क्यों देखो मोहब्बत होगी शौहर होगा मोहब्बत होगी सर्दियों गर्मियां निकल जाएंगी पता नहीं चलेगा ऐसी कोई बात देखो सर्दियों गर्मियों में मोहब्बत भी अलग होती है शौहरों की सर्दियों में जब शौहर कहता है ना बीवी को आई लव यू बीवी कहती अभी नहीं जाओ जाओ पहले गीजर ठीक करवाओ क्योंकि और सर्दियों में और गर्मियों की मोहब्बत होती है जब गर्मियों में शौहर कहता है ना बीवी को आई लव यू बीवी कहती चुपचाप सो जाओ टंकी में पानी नहीं है ये होता है देखो बात ये औरत का दिल पानी की तरह होता है मर्द का दिल मिट्टी की तरह होता है दोनों की शादी हो जाती है और फिर जिंदगी कीचड़ बन जाती है कितनी बारीक बात है तो मैं चाह रहा हूँ आप अपना ये कीचड़ लाएं जिंदगी में थोड़ा थोड़ा कीचड़ हो आगे समझ में आई ये बात नहीं 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 मैं बगैर कीचड़ ही बिल्कुल सही चल रही हूँ आई एम परफेक्ट अब हम कर रहे हैं रैपिड फायर टीवी शोज या लाइव परफॉर्मेंस लाइव क्यों बस उसमें मजा आता है टीवी शो बहुत सेंसर बोर्ड वाली हाँ नहीं टीवी शोज में ये होता है हम शो कर रहे हैं ना सब कट जाता है ये बरकत उसमें अल्लाह हाफिज बरकत उसमें हमने इतना कुछ बोला इतना कुछ बोला इतना सो होगी क्यों काट दिया यार मजा नहीं ओवरलैप हो रहा बाद वक्त कॉमेडियन को ऐसे शो में भी बुला लेते हो जहाँ दिमाग भी बंद हो जाता है जैसे यहाँ शुरू में बंद हो गया था खुला हमने बकाया कोई बात नहीं है बंद दिमाग है खुला नहीं होना चाहिए नहीं नहीं मतीरा आपसे तो खैर हमारी पुरानी दोस्ती है हमने बड़ा मेरे ख्याल से 14-15 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं चीप कॉमेडी करना वल्गर कॉमेडी करना बिलो दी बेल्ट कॉमेडी करना दुनिया का सबसे आसान काम मुश्किल काम क्या है अच्छी कॉमेडी करना जो हम फैमिली शोज में करते हैं और ये मुश्किल काम करेंगे नहीं ये तुम ध्यान में रखो यहाँ नहीं होगा हाँ बोलो बोलो शादीशुदा या सिंगल लाइफ बिटवीन लाइफ ये बात समझ नहीं तो मतलब कि शादी भी ना हो और सिंगल भी ना हो एक एंटी शादी क्यों हो तुम व्हाई नहीं नहीं एंटी शादी नहीं हूँ मैं मुझे शौक है शादी एंटी वायरस है शादी का शौक है इतने साल हो गए इसने की नहीं इसको बहुत शौक है शादी का शादी का बहुत शौक है बस चले अभी कर ले अच्छा वो निभा नहीं सकता उसको कैसे नहीं आप जो समझ रही वो बात नहीं है तो क्या मसला है तो बात पता है क्या देखिए हमारे यहाँ आशिकों का प्रॉब्लम क्या सारा दिन सोचते रात में बात होगी और रात में लड़ाई हो जाती है ना तो मुझे ऐसा लगता है आजकल के लड़के लड़के इतनी देर तक रातों को जाग रहे होते हैं इनकी ये समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरी मैसेज में क्या लिखे गुड नाइट या सुबह बखैर खैर आतिफ असलम या सज्जाद अली सज्जाद अली फिर आतिफ असलम दोनों पहले सज्जाद अली फिर आतिफ असलम ओह वाओ हाँ दूध जलेबी या चॉकलेट केक दूध जलेबी बचपन में खाता था अम्मी खिलाती थी जबरदस्ती ओके असल में लाती अब्बू के लिए थी खाना ऐसे मैं ये खा लेता था ओह गॉड नादिया खान या शाइस्ता लोधी दोनों दोनों बेस्ट बोथ बोथ बेस्ट दोनों को ओके हॉरर मूवीज या रोमांटिक मूवी ओए हॉरर में अगर रोमांस हो तो वो ज्यादा अच्छा लगता है जो काफी देर तक तैयार होकर रोड पे खड़ा होता है लोग उसे मुस्कुरा कर देख कर चले जाते हैं लड़कियां बेचारी सोशल मीडिया पे गलती से पोस्ट कर देना कि बहुत गर्मी है तो लड़के मोबाइल की तरफ रुक जो ना पंखे की तरफ कर देते हैं तो मुझे लगता है सोशल मीडिया पे लड़कों का इतना वो नहीं है नहीं है लेकिन हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग जो ना आवाम की नफ्सियात से खेलते हैं जैसे
जैसे होते कुछ और हैं, पैटर्न कुछ और करते हैं स्क्रीन पे, like, तो कहने का मकसद है अवाम की नफ्सियात से ना खेलो, जो अंदर से वही बाहर रहो, अवाम की नफ्सियात से ना खेलो। आपका ग्लास पकड़े हुई होगी, कोक वाले को बोल रही होगी देखो देखो क्या पी रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, टीवी चैनल्स पर आप लोग इतना दिखते क्यों नहीं हो, व्हाई? टीवी चैनल अब देखता कौन है? नहीं, पे आती है अभी अब हम तकरीबन टीवी चैनल एक चैनल पे महीने के 14 शोज कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन टीवी चैनल अब देखता कौन है? सोशल मीडिया पे इतना कर दिया है लोग, मोबाइल से बाहर ही नहीं। वही जो शोज अभी यूट्यूब पे भी चल रहे हैं, फिर वो वहां देखे जाते हैं, सोशल मीडिया पे देख लेते हैं। लेकिन बात क्या है कि टीवी का ऐसा मामला हो गया है, हर चैनल्स का अपना अपना एक लॉबी सिस्टम है। अब आजकल के जो लड़के लड़कियां, उनकी शिकायत ये है कि हम अमीर घर के हैं नहीं, हम करीम में आते हैं, उबर में आते हैं, रिक्शा में आते हैं, अच्छे टैलेंटेड दिखने वाले, अच्छा बोलने वाले, तो उनको काम नहीं मिलता। उनको चैनल वालों को चाहिए जो बड़ी गाड़ी में आएगा, जो शक्ल का अच्छा होगा, टैलेंट होना हो, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो हमें बताते हैं। तो यहाँ एक होता है कि व्हाट यू कॉल स्टार किड्स के बच्चों को ज्यादा अहमियत दी जाती है, मैं कहता हूं उनको भी दें, साथ में उनको भी तो लेके चलें, जो स्टार किड्स के बच्चों को भी तो उनका हक है, उनका बिल्कुल हक है, लेकिन साथ में जो टैलेंट, शायद अगर वो इंडिया जाकर काम करे शायद तब वो लोग मानेंगे, क्योंकि वो एक हमारी एक कलाम होता है कि जब तक बंदा इंडिया नहीं गया, जब तक जी अवार्ड नहीं गया, तो उस वक्त तक इनको अवार्ड में नहीं बुलाया जाता, बुलाया जाता था जब शुरू में निगार अवार्ड होते तो भरपाई करते थे, लेकिन जब उन्होंने इंडिया का अवार्ड किया जी सर, फिर प्राइवेट चैनल में बुलाया, अरे उमर चले, तो यहाँ अपने रिस्पेक्ट बनाने के लिए काम, तो इंडिया जाना जरूरी है, इंडिया में जाके काम करके आए। आप इंडिया क्यों नहीं गए? सब गए, इसलिए हमने कहा यही बनाएंगे, हम जो भी बनाएंगे अल्लाह बनाता है हमारी, क्या बात है। ओके, तो इसके बाद पार्ट हम अगली बार देखेंगे। अगर बात किया जाए बरकत उज़्मी, यहाँ पे इतना ज्यादा दे हैव बीन नॉट क्या ओपन अप नहीं हुए जितना ज्यादा हम अहमद खान के इसमें ओपन अप वाला देखते हैं, एंड ऑल्सो द वे बरकत सेड दैट कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग सिर्फ प्रिटेंड करते हैं कि मैं ऐसी हूँ या मैं ऐसा हूँ, वो रियल में होते नहीं है ऐसे, और मैंने तो बहुत सारे लोगों को देखा है यार ऐसे, दैट दे आर नॉट रियल। मतलब अगर रियल में उनको जाके देखोगे या उनको जाके उनके बात करोगे तो उनका अलग ही टाइप ऑफ क्या हो सकता है, बिहेवियर हो सकता है आपके थ्रू, सो दैट इज लाइक सो मच मतलब ऐसा लगता है कि भाई साहब ये तो मतलब बहुत ज्यादा ही क्या अलग इंसान है जो हम सोशल मीडिया पे देखते थे, एंड ये स्टार्टिंग के जो दो तीन मीम्स यहाँ पे हुए हैं, जो जोक्स हुए हैं, दैट नो वन कैन बीट, और मथीरा के साथ इतना यार और ये इनका मथीरा एंड इन दोनों का जो फ्रेंडशिप है 14 ईयर्स हो गए भाई साहब, दैट्स इनक्रेडिबल, दैट्स एक्चुअली नाइस वन। सो हम देखेंगे, अभी अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट करके बताओ। सो या दैट इज इट फॉर टुडे, अगर वीडियो आपको पसंद आएगी तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो, इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए व्हाइट सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, सो प्लीज़ फॉलो दैट टू। थैंक यू।